हे एवरीवन, मैंने मार्केट से ये बहुत ही सिंपल दिए ख़रीदे थे 20 रुपये में 10 पीसेस, मतलब कि 2 रुपये का एक पीस बाय किया था। तो आज हम इसे डेकोरेट करके और पेंट करके कन्वर्ट करेंगे बहुत ही महंगे और ब्यूटीफुल डिज़ाइनर दिए में। तो चलिए स्टार्ट करते हैं। सबसे पहले हमें यहाँ पर एक बेस पेंट लेना है, तो मैंने वाइट एक्रेलिक पेंट का यूज़ किया है इसके बेस को पेंट करने के लिए। तो वाइट पेंट से मैं इस पूरे दिए को अच्छे से पहले पेंट कर दूँगी, उसके बाद हम स्टार्ट करते हैं इसमें अपना कलरिंग वर्क। तो सबसे फर्स्ट जो कलर है मैं यहाँ पर यूज़ कर रही हूँ डार्क ब्लू कलर, जो कि ये स्काई ब्लू कलर है। और इसमें जो अंदर की लेयर में जो फ्लावर पैटर्न बना हुआ है उसमें मैं अल्टरनेटिव कलर फिल करने वाली हूँ। तो सबसे पहले मैंने ब्लू कलर लिया हुआ है और एक पेटल्स को छोड़ते हुए मैं सेकेंड पेटल में इस ब्लू कलर को फिल करती जाऊँगी। फ्रेंड्स, मैंने अपने चैनल पर इसी टाइप के बहुत ही अट्रैक्टिव और ब्यूटीफुल दिया पेंटिंग के आइडियाज़ आपके साथ शेयर किए हुए हैं, जिसकी मैंने एक प्लेलिस्ट बनाई हुई है। अगर आप चाहें इसी टाइप के और भी दिया पेंटिंग आइडियाज़ को सीख सकते हैं उस प्लेलिस्ट को देखकर। तो इस वीडियो को देखने के बाद वो प्लेलिस्ट एक बार ज़रूर चेक कीजिएगा, मैं उसकी लिंक अपने डिस्क्रिप्शन बॉक्स और आई बटन में दे दूँगी। ब्लू कलर को पेंट करने के बाद मैं यूज़ कर रही हूँ डार्क ऑरेंज कलर, जो कि मेरा फेवरेट कलर है। और जैसे कि हमने ब्लू पेंट करते टाइम एक एक पेटल्स को ड्रॉप किया हुआ था, तो जो वाइट कलर की पेटल्स बची हुई हैं मैं उसमें इस ऑरेंज कलर को फिल कर दूँगी। और जैसे कि आप देख सकते हैं कि ब्लू कलर और ऑरेंज कलर का जो कंट्रास्ट कॉम्बिनेशन है वो देखने में कितना सुंदर लग रहा है। बाहर की जो लेयर है उसे सबसे पहले पेंट करने के लिए मैं यूज़ कर रही हूँ लाइट ग्रीन कलर, ये लीफ ग्रीन कलर है। फ्रेंड्स, जैसे कि आपने थंबनेल में देखा होगा कि मैंने इस दिए की प्राइस डिफाइन किया है, तो एक्चुअली मैं कल बहुत टाइम तक चेक कर रही थी अमेज़न पर कुछ दिए बाय करने के लिए जो कि ऑलरेडी डेकोरेटेड हैं। तो मैंने इसी पैटर्न का एक दिया देखा जिसका प्राइस 250 रुपये था, बट फिर मैंने सोचा कि इस टाइप के दिया तो मैं घर पर भी बना सकती हूँ। तो फाइनली मुझे उसी से ये आइडिया मिला हुआ है। और अगर आप भी उस दिया को बाय करना चाहते हैं ऑनलाइन, तो उसकी लिंक मैंने अपने डिस्क्रिप्शन बॉक्स में दी हुई है, आप इसी पैटर्न के बहुत ही ब्यूटीफुल और कलरफुल दिए बाय कर सकते हैं अमेज़न की लिंक से। तो जैसे कि इस दिए में बाहर दो लेयर्स हैं, एक पतली और एक थोड़ी मोटी सी लेयर है। तो पहली वाली लेयर को तो मैं लाइट ग्रीन कलर से पेंट कर रही हूँ, बट इसके बाहर वाली जो लेयर है मैंने सोचा कि इसे थोड़ा सा डार्क शेड देना चाहिए, तो मैं यूज़ कर रही हूँ डार्क ग्रीन कलर। और डार्क ग्रीन कलर और लाइट ग्रीन कलर का कॉम्बिनेशन देखिए कितना अच्छा लग रहा है इसमें पेंट करने से। तो बाहर वाली लेयर को मैं अच्छे से इसी वाले ग्रीन कलर से पेंट कर लूँगी। इसका जो बीच का एरिया बचा हुआ था वाइट कलर का, मैंने उसमें डार्क पिंक कलर से पेंट कर दिया है। अब चलिए स्टार्ट करते हैं हमारा डिटेलिंग वर्क। तो डिटेलिंग मैं स्टार्ट कर रही हूँ वाइट एक्रेलिक पेंट से और पतले वाले ब्रश से। तो पतले वाले ब्रश से मैं इस टाइप की पहले लाइन बना रही हूँ, और अंदर का जो फ्लावर है पहले मैंने सोचा कि इसे पूरा आउटलाइन से कवर कर देना चाहिए, तो इस पूरे फ्लावर को मैं वाइट एक्रेलिक पेंट की आउटलाइन से कवर कर दूँगी। अंदर वाले पैटर्न की डिटेलिंग कंप्लीट होने के बाद मैंने सोचा कि बाहर वाली जो लेयर है उसमें भी हमें कुछ डिटेलिंग ऐड करना चाहिए, तो उस पर भी मैं छोटे छोटे डॉट्स रखते हुए और इन लाइन से उन सेक्शन को डिवाइड करते हुए इस टाइप की देखिए डिज़ाइन बनाती जा रही हूँ, जो कि कितना डिफ्रेंशिएट कर रहे हैं वाइट कलर और ग्रीन कलर को। उसके बाद अंदर का जो फ्लावर है मैंने सोचा कि उसमें भी हमें कुछ डॉट्स रखते हुए डिज़ाइन बनाना चाहिए, तो मैं इस टाइप से डॉट्स रखते जा रही हूँ और अंदर वाले फ्लावर में भी डिज़ाइन बनाते जा रही हूँ। और डॉट्स रखने के बाद तो ये बहुत ही ज़्यादा अट्रैक्टिव दिखने लगा है। पहले भी अच्छा लग रहा था बट थोड़ा सिंपल लग रहा था, बट अब ऐसा लग रहा है कि हाँ ये फाइनली कंप्लीट हो चुका है। सो गाइस, ये रहा इसका फाइनल लुक, देखिए देखने में कितना ब्यूटीफुल लग रहा है। और भी ब्यूटीफुल दिया पेंटिंग सीखने के लिए चेकआउट दिस नेक्स्ट वीडियो एंड आई विल सी यू देयर।